नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी लोग बाल झड़ने की समस्या से ग्रस्त हैं? क्या आप सभी लोगों को हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम कई सालों से सता रहा है और ये डर भी सता रहा है कि कहीं आप आगे जाके गंजे ना हो जाएं, या फिर बात ऐसी है कि आप इन सब बातों को एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि आपका गंजा होना तय है? तो दोस्तों, अगर आप इस पनौती को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं और इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको हेयर फॉलिंग की A to Z हर बात बताने वाला हूं, प्लस एक ऐसे ट्रीटमेंट्स की मैं तरीके बताऊंगा जो आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं और इससे आप अपना निजात पा सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइस, वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, तो आइए डिटेल में बात करते हैं हेयर फॉलिंग के बारे में कि हेयर फॉलिंग क्या। हेयर फॉलिंग का मतलब है बाल झड़ना। बाल झड़ने के अलावा जो एक टेक्निकल वर्ड इसके लिए जनरली यूज होता है वो है एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब भी बाल झड़ना और हेयर फॉलिंग मतलब भी बाल झड़ना। जहां तक दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन की बात है, ये जो हेयर फॉलिंग और एलोपेशिया है ये नॉर्मल बाल झड़ने से लेके कई बहुत सीवियर बीमारियों तक इसका विवरण जाता है। जैसे कि पहला जो फॉर्म है बाल झड़ने का, दैट इज द प्लेन ये एलोपेशिया सिंपल और एलोपेशिया सिंप्लेक्स। इसके अंदर जो बाल झड़ते हैं, जिस तरह से आपके हमारे पूरी आबादी के अंदर सभी लोगों के हेयर फॉलिंग नॉर्मली होता है, उस तरह का हेयर फॉलिंग होता है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप आता है एलोपेशिया का, जो कि थोड़ा सा सीरियस माना जाता है, विच इज द एलोपेशिया एरियाटा, जिसके अंदर एक छोटे छोटे एरियाज के अंदर लोगों के बाल झड़ते हैं तो एक पैच बन जाता है, एक बिल्कुल बाल्ड पैच बन जाता है जिसके ऊपर एक ऐसा स्पॉट जहां पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, बस वो एक टापू की तरह हेयर में अलग दिखता है। इसके बाद जब ये बीमारी और थोड़ी सी सीवियर होती है कुछ उन लोगों में जिनकी जो किस्मत है कुछ ज्यादा खराब है, तो ये जो बीमारी है देन आफ्टर इट टर्न्स इनटू द एलोपेशिया टोटालिस। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एलोपेशिया मतलब एलोपेशिया, टोटालिस मतलब टोटल, मतलब कंप्लीट बाल पूरे सर के जो हैं वो झड़ जाते हैं। और जब ये बीमारी और थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होती है तो ये बदल जाती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में। इन द एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस पूरा जनरल हेयर फॉल होता है, मतलब बॉडी के ऊपर जिधर भी बाल है वो बाल नहीं बचेगा, वो चाहे सर का बाल हो, आईब्रो का बाल हो, मूंछ का बाल हो, दाढ़ी का बाल हो, चेस्ट का बाल हो, या फिर वो प्यूबिक हेयर, इनफैक्ट पैरों पे बाल, हाथों पे बाल, अंडर आर्म्स पे बाल, वो सारे जो बाल हैं वो नहीं बचेंगे। तो ये बीमारी कहलाती है फिर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। इसके जो ब्रांड पैटर्न है वो दो ब्रांड पैटर्न है। जो पहला होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि कहीं ना कहीं एज रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं MPB, मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर ये साइड से बाल बच जाते हैं और ये पूरा ऊपर से जो चांद निकलना जिसको बोलते हैं, वो पूरा जो गंजापन जो होता है, गंजेपन का जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस। वैसे ही महिलाओं के अंदर भी एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, विच इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्शन एलोपेशिया, कि जब औरतें तंगी करती हैं तो जब मांग के पास से बालों को पीछे की तरफ खींचती हैं तो उनका जो मांग वाला एरिया है वो उसके बाल झड़ जाते हैं। दूसरा कारण है जो सिंदूर, जो नकली सिंदूर जनरली ये लोग अप्लाई कर लेते हैं, उसकी वजह से भी जो है मांग के हिस्से के बाल चले जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉय टाइप ऑफ एलोपेशिया अमंग द पॉपुलेशन, विच इज एलोपेशिया। अब दोस्तों, अब यहाँ पे जो मेन बात है जो करने वाली है वो है कि वॉट इज द कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट कि वॉट आर द कॉजेज ऑफ हेयर फॉलिंग। जो हेयर फॉलिंग का और किसी भी प्रकार का, जो चार पांच प्रकार का एलोपेशिया मैंने बताया, उसका सबसे पहला कॉज हो सकता है हेरिडेटरी। जनरली हम देखते हैं किताबों में तो ऐसे ही लिखा है कि हेरिडेटरी कॉज के कारण जो है वो हेयर फॉलिंग होती है लोगों को। अब वो कितना सही है मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो जनरली केसेस आते हैं कि पिताजी के बिल्कुल घने बाल अनिल कपूर टाइप के और जो बच्चा है वो गंजा हो रहा है, उसको अभी 27, 25, 26 साल पर 22 साल की उम्र में मेल पैटर्न बाल्डनेस जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, तो हु नोस। पर एक कॉज जो बताया गया है वो है हेरिडेटरी। जो दूसरा कॉज है इसके अंदर वो है डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू एनी डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कैल्प में डैंड्रफ है, या फिर आपको स्कैल्प में सोराइसिस ऑफ स्कैल्प हुआ है, या फिर आपको
कोई भी डर्मेटोलॉजिकल कॉज है, मतलब कोई भी लोकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर फॉलिंग हो रहा है, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द दैट डर्मेटोलॉजिकल कॉज इज एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिंग. तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो डर्मेटोलॉजिकल कॉज है कि जनरल ड्राइनेस ऑफ स्किन, अपन इस पे बात करेंगे, अपन आगे आ रहे हैं. तो ये दूसरा कॉज था, इसको दिमाग में रखिएगा, डर्मेटोलॉजिकल कॉज को. जो तीसरा कॉज है बेसिकली हेयर फॉलिंग का, वो होता है कोई भी एक्यूट डिजीज के बाद. दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट. डॉक्टर साहब मेरे को जो है वो बीमारी हुई थी, मुझे टाइफाइड हुआ था 6 महीने पहले, या लास्ट ईयर टाइफाइड हुआ था, या जॉइंटिस हुआ था, या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई थी एक्यूट थी, वो उसके कारण मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था. सिंस देन द हेयर फॉलिंग कार्बोवेज, हेयर फॉलिंग आफ्टर एनी एक्यूट डिजीज, कार्बोवेज एंड फॉस्फोरिक एसिड. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि ये हेयर फॉलिंग का, कि वही हेयर फॉलिंग क्यों हो रही है. तो अब तीन कॉज जो हो गए, पहला हेरिडिटरी हो गया, दूसरा डर्मेटोलॉजिकल हो गया, तीसरा हेयर फॉलिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज हो गया, है ना. जो चौथा जो है कॉज, वो महिलाओं में बहुत कॉमन कॉज, हेयर फॉलिंग आफ्टर डिलीवरी और हेयर फॉलिंग आफ्टर पार्चुरेशन. मेरे को लगता नहीं कोई भी ऐसी महिला है जिसका 2-3 साल का बच्चा या बच्ची है, तो उनका अगर हेयर फॉलिंग का केस होता है तो 90% में स्टेटमेंट आता है कि ये जो बच्चा हुआ था मेरे को, इसके बाद से हेयर फॉलिंग हो रही है. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है इन सब के अंदर, जो हमारा खुद किया धरा है, दैट इज द डर्मेटोलॉजिकल कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग. दिस इज ड्यू टू आवर सेल्फ, ये हमने खुद पैदा करा, ये होना नहीं था. देखिए बच्चे होने थे, बच्चे होते हैं, बाल झड़ रहे हैं, नॉर्मल है. बीमारी आपका आते नहीं थे हो, पर आपको एक्यूट डिजीज हो गया, वीकनेस आ गई, बाल झड़ रहे हैं, वो भी ठीक है. आपका जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर वो भी आप कुछ नहीं कर सकते भाई. अब किसी मतलब ऐसे आप ऐसे खानदान में पैदा हुए जहां पे मेल पैटर्न बाल्डनेस जेनेटिकली आ रहा है, आपको भी होगा, ठीक है, इट्स ओके. बट डर्मेटोलॉजिकल कॉज इज, मैं समझता हूँ, कन्फाइंड ऑफ द 70-80% ऑफ द केसेस ऑफ हेयर फॉलिंग. आज की प्रतिशत में जितनी भी हेयर फॉलिंग के केस हैं, ये अकेला कॉज 70% उसका कॉज, ये अकेला डर्मेटोलॉजिकल कॉज है, और 30% बाकी दीगर जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं, ये आपने खुद करा है. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये बाल आपके खुद की वजह से ही झड़ रहे हैं. वो कैसे, मैं बता रहा हूं कि अब हमने यहाँ पे बात करी थी ड्राइनेस ऑफ स्किन, परसिस्टेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन, उसी के कारण तो डैंड्रफ होगा. अगर परसिस्टेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन बहुत ज्यादा दिन तक रहेगी तो उसके साथ डैंड्रफ भी होगा, और डैंड्रफ के कारण आपको सोरायसिस ऑफ स्कल्प भी हो सकता है. तो पल कुल मिला के जो ड्राइनेस वाला फैक्टर है, दैट इज ड्यू टू यू पीपल्स ओनली, उसका कारण है आप तेल नहीं लगाते. आजकल कॉस्मोपॉलिटन ट्रेंड आ गया दुनिया में भाई, वो तेल लगा लेंगे तो लड़कियां देखेंगी नहीं, बोलेंगी चिप्पू है, चंपू है, पता नहीं कितने तरीके के वर्ड्स आते हैं. और स्पेशली टीनएजर्स तेल लगाना पसंद ही नहीं करते, जेल लगवा दो उनको तो कुत्ते जैसे बाल खड़े कर लेंगे, वो चलेगा, ठीक है, पर तेल नहीं लगाएंगे भाई. इसलिए तो बाल झड़ रहे हैं. लेक ऑफ ऑयलिंग या लेक ऑफ मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्कल्प. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके गार्डन के अंदर आप 20 दिन पानी नहीं देंगे तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना मेरे भाई. तो बाल क्यों बचे हैं तुम्हारे? तुम्हारे बाल बचने का कोई कारण ही नहीं बच रहा ना, कि आप ऑयलिंग ही नहीं कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. दूसरा, पुअर मेंटेनेंस. हम लोग बड़े बिजी हो गए, हमारे पास बहुत सारे काम है, तमाम चीजें हैं, हम मेंटेन नहीं करते बालों को प्रॉपरली, हम धोते नहीं है उनको प्रॉपरली, हम उनको प्रॉपरली कंडीशनिंग नहीं करते, उनकी वॉशिंग और ऑयलिंग हम लोग टाइम ही नहीं देते. एक जमाना होता था जब लोगों के 8-8 फीट के बाल होते थे, पर वो महिलाएं हफ्ते में हर दिन बाल धोआ करती थी. एक ये सिस्टम हुआ करता था इंडियन कल्चर में, है अमेरिकन कल्चर में ये आज भी है कि वो लोग बाल धोते हैं, ड्रायर से सुखाते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं. पर अपने यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ धुलते हैं बाल हफ्ते में 2 दिन, बस बहुत है, हफ्ते में 2 दिन धो लिए, बहुत धो लिए. तो फर्स्ट इज लैक ऑफ ऑयलिंग और लैक ऑफ मॉइस्चराइजेशन, ये भी ड्राइनेस का आप ही लोग पैदा कर रहे हो, ये आप ही के द्वारा पैदा करा गया कारण है. पुअर मेंटेनेंस ऑफ द एयर, एक्सेसिव यूज ऑफ द कॉस्मेटिक ऑन द स्कैल्प ऑन हेयर, खूब कॉस्मेटिक होना, ये स्ट्रेटनर भी चाहिए, और हमको स्ट्रेटनिंग करानी है, हेयर कलरिंग करनी है, हमको हेयर डाई करना है, काले बाल नहीं दिखने चाहिए, अमोनिया के प्रोडक्ट यूज करोगे मेरे भाई बाल कैसे बचेंगे. मेरे पास छोटे छोटे लड़के लड़कियां आते हैं 15 साल 17 साल के,
जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं जो कॉलेज में जो हुए जस्ट एंटर्ड इन द कॉलेज, वो कलरिंग कर रहे हैं यार। हेयर कलर करोगे तो कहाँ तक बचेगा? अरे नहीं साहब, कंपनी बोलती है अमोनिया नहीं है। मेरे भाई, अमोनिया के बिना कोई कलर बनाया आज तक? तो थर्ड कॉज कलरिंग, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ द कॉस्मेटिक्स। फोर्थ कॉज यूज ऑफ डाइज। अरे अंकल एक बात बताओ, अंकल लोगों से बोल रहा हूँ सबसे, 60 50 60 55 60 साल की उम्र में अच्छा लगता है चक्के काले बाल लेके घूमते हो आप लोग सड़क पे? शर्म आनी चाहिए ना भाई। मेन है ये कॉज, ये कॉज भी है और ये अच्छा भी नहीं लगता भैया। बुढ़ापा तो आप लोगों की, क्या मैं बोलता हूँ, बुढ़ापा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की शान है ना यार। आपका तजुर्बे का रिप्रेजेंटेशन आपके सफेद बाल करते हैं, और बाल काले करने हैं तो वाय द डाई, यूज द मेहंदी, यूज द हिना इन ऑल दीज प्रोडक्ट जो कि हर्बल है वो यूज करिए आप। तो डाई, डाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल बहुत बढ़ गया, यूज ऑफ मैकेनिको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो मैकेनिकली कॉस्मेटिक चीजों के साथ मिलके आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे हेयर स्ट्रेटनर। हेयर स्ट्रेटनर में वो एक आता है चिमटा सा, वो दोनों तरफ गरम गरम हो जाता है, उसके बीच में बालों को दबा के खींचते हैं, बाल सीधे करने हैं। मेरे भाई सबसे बड़ा सवाल, बाल अगर टेढ़े हैं तो तुम्हारा क्या लेना है? जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं कि ये फैशन के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं, पर यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हेयर फॉलिंग के कॉजेस क्या है। अभी आपके ऊपर, आप यूज करो नहीं करो, जितना करना है करो, करो गंजे हो जाओ, मेरे को लेना देना नहीं। पर मैंने ये चीज बता दी कि मैकेनिको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो बालों के ऊपर हो रहे हैं, कि जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, केमिकल लगा के कर्ल बालों को स्ट्रेट करते हैं, बाद में तो डैमेज होना ही है। हेयर कलरिंग, बालों को लोग ब्लीच करते हैं बालों के ऊपर, कर्ल, कर्ल जो बालों को कर्ल करने के लिए गर्म एक आइटम रहता है उसके अगल बगल बालों को लपेट के कर्ल करते हैं। ऑल दीज प्रोसीजर्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके बालों को डैमेज करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट बेसिकली होना क्या चाहिए। देखिए अब एज फार एज द एलोपैथी इज कंसर्न, तो वही नो ट्रीटमेंट एट ऑल, ऑलमोस्ट। मिनोक्सीडेल करके एक आइटम आता है बालों में लगाना होता है उसको, अब उसको ये लगाते हैं, जब तक लोग लगाते हैं बाल रुके रहते हैं, जब तक लोग उसके बाद बंद करते हैं और उसके बाद बाल ज्यादा झड़ते हैं। अब एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखिए मेडिसिन जो है वो सीधी सीधी हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो भी दवाएं मैं बोल रहा हूँ यूज मत कर लेना बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के। अगर करते हो साइड इफेक्ट होता है, आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एट ऑल। तो ऑर्डिनरी हेयर फॉलिंग में बहुत सारी मेडिसिन इंडिकेटेड है, जैसे कि एसिड फॉस है, कार्बोवेज है, सिफिलिनम है, सल्फर है, ठीक है ना, नेट्रम न्यूर है, लाइकोपोडियम है, वो तमाम दवाएं हैं। एज फार एज द एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया एरियाटा जो सबसे कॉमन, सबसे सीरियस में कॉमन फॉर्म है, उसके अंदर जो मेडिसिन जो इंडिकेटेड है वो है एसिड फ्लोर, फॉस्फोरस, हीपरसल्फ, सीपिया एंड मेनी मोर मेडिसिन। ये चार पांच मैंने बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन बताई है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने केस के अंदर इन दवाओं को मटेरियल और रिपर्टरी से रेफरेंस लेके आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। अब जो एज फार एज द एलोपेशिया टोटलिस एंड यूनिवर्सलिस इज कंसर्न, उसके बारे में बस एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आदमी को, सबसे पहले आदमी को जो होता है एलोपेशिया एरियाटा होता है, एक छोटे से एरिया से बाल जाते हैं। अब वो एरिया जो रहता है ना वो फैलना चालू होता है, वो जस्ट लाइक फैलता है, एक्सपांड होता है ना, हेयर लॉस के साथ एक्सपांड होता है। उतने में पता चला दूसरा एक और स्पॉट बन गया, वो भी एक्सपांड होता है, दोनों स्पॉट मिले और बहुत सारे बाल चले गए। तो बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा ही अगर सीवियर हो तो वो बन जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस या टोटलिस। तो वो पहले एलोपेशिया टोटलिस बनता है, फिर वो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बन जाता है। तो इसी की वजह से जो मेडिसिन हैं, जो इंडिकेटेड हैं, जो मैंने चार प्राइमरीली मेडिसिन बताई, एसिड फ्लोर, फॉस्फोरस, सीपिया, आपकी हिपरसल्फ, नेट्रम्यूर, तमाम मेडिसिन हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी इस पे निकलेंगी, जब आप वो रूब्रिक देखेंगे कि हेयर लॉस इन द स्पॉट तो आपको मिलेंगी। तो ये सारी मेडिसिन जो है बेसिकली ये इसके ऊपर बहुत ही बखूबी काम करते हैं। ट्रीटमेंट जो होती है वो लंबा करने की जरूरत होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है कि ये, मतलब ये मैंने बताया ऐसे डॉक्टर्स के लिए। अब आम आदमी क्या करे, आम आदमी सबसे पहली चीज ये करे
ये जो मैं बोल रहा था वीडियो में शुरू में कि इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एंड में है, तो मैं एक बता चुका हूँ कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली होम्योपैथिक मेडिकेशन ही आपके सामने रख दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक आम आदमी भी ये दवा खाएं, तो आप अपने रजिस्टर्ड मेडिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाके उसकी सलाह को सम्मिलित करके ये जो मेडिसिन इस वीडियो में बताई वो आप ये खा सकते हैं। और आप लोग हेयर को केयर करना सीखिए, आपको ऑयलिंग करनी है, हर अल्टरनेट डे ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग हम काय से करेंगे भाई? हम कोकोनट हेयर ऑयल से ऑयलिंग करेंगे, हम ऑयलिंग करेंगे नॉन वॉलेटाइल ऑयल से। ऐसा तेल जो उड़ जाएगा उसका कोई मतलब नहीं ऑयलिंग करने का। तो नॉन वॉलेटाइल हेयर ऑयल से हमको ऑयलिंग करनी है, हमको बहुत सारा तेल डालना है, हमको रात में तेल डालना है, जब हम अगले दिन बाल धोने जा रहे हैं तो एक रात पहले भी हमको तेल डालना है, जब हम बाल धो लेंगे तो धोने के बाद भी हमको कुछ क्वांटिटी ऑफ ऑयल डालना है, ठीक है ना। और जहां तक हो आपको अपने स्किन का ध्यान रखना है प्रॉपरली और बालों को मेंटेन करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया, वॉशिंग वॉशिंग बता दी, ऑयलिंग बता दी। हफ्ते में 3 बार कम से कम आप वॉश करेंगे बालों को, कोई माइल्ड शैम्पू से, ठीक है, क्योंकि बालों के अंदर धूल और गंदगी जमती रहती है। हमारे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है और वही सब चीजें स्कैल्प से रिएक्ट करके डैंड्रफ को रूप देती हैं, तो ये सबको वॉश आउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अगर कोई को हेयर फॉलिंग की समस्या है तो आप प्लीज होम्योपैथों के पास जाइए, आप एलोपैथों के पास मत जाइए, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी मिलेगा टेम्परेरी मिलेगा, जो होम्योपैथ आपको देगा वो परमानेंट देगा। मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोस डले हुए हैं, प्लस मेरी वेबसाइट भी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर इंडिया के किसी भी पार्ट से कोई मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहता है या ऑन टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहता है अपने हेयर फॉल या फिर किसी भी समस्या को लेके, तो वो मुझसे मेरे फोन नंबर पे और मेरे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हेयर फॉलिंग का वीडियो, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सबको पसंद आया तो इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को दबा दें। और इसी के साथ अगले ब्लॉग तक के लिए आप सभी का नमस्कार।